काफ़ी हमारा हैंडसम हंक रियो रियो चड्डा, इसको भी बोला गया लॉन्च करेंगे करेंगे, तो फाइनली आज अच्छा दिन आ गया कि हमने बहुत ही प्यारा गाना इनके लिए बनाया, बहुत रोमांटिक लव ट्रायंगल गाना है जिसके अंदर यही हमारे हीरो हैं, ये हमारी हीरोइन नाकिया और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं एस के। आज गाना लॉन्च हो रहा है, बहुत प्यारा गाना है एंड आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा। एज यू कैन से तीनों यंगस्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं, सो मेरी शुभकामनाएं इनको कि कीप रॉकिंग। देखो हम फिलहाल तो टैलेंट प्रमोट कर रहे हैं विदाउट एनी यू नो, उम्मीद है नहीं हमें कुछ कि हमने उनसे कुछ लेना या देना है। सेम आई गेन एस के भी मेरे साथ हैं, बट हमारा है कि चलो हमारे जरिए कोई लॉन्च होता है तो वाई नॉट, बिकॉज जान इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, बहुत अच्छा गाता है, ऑलरेडी बिग बॉस में बहुत छाया भी रहा है। आज इसकी गर्लफ्रेंड आई नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आई, नाम मैं लूँगा नहीं। एंड रियो हमारा अपकमिंग स्टार है, गुड लुकिंग बॉय एंड दिस इज गॉर्जियस नाकिया। ही इज़ द प्रोड्यूसर और मैं बोलूँगा कि म्यूजिक फील्ड में कि हमारे गार्डियन और अभी उन्होंने बोला कि भाई टैलेंट प्रमोट कर रहे हैं ऐसे हम कर रहे हैं, पर एक बात बहुत बड़ी फ़र्क है हमारे घर में और निका सर के घर में, क्या है कि हम एक नई कंपनी है, हम अपने आप को ग्रो करें तो हमारी ग्रोथ करने के अंदर में हम किसी टैलेंट को प्रमोट भी करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। इन्हें जिस स्टेज पर है, लेजेंडरी सिंगर हैं, लेजेंडरी वॉइस है, कंट्री के आइकॉन है, इन्हें वो करने की ज़रूरत नहीं, तो उसके बाद में भी अगर ये कर रहे हैं तो इतना बड़ा मन होना बहुत बड़ी बात है। और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हमेशा जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा हर जगह खड़े रहते हैं साथ में। बहुत सही बोला। Yeah, okay. I'm very excited. It's been a while. First met Dada when I was 13. Dada means ये बड़े भाई को बोलते हैं। बड़े भाई को दादा बोलते हैं। हाँ, ये मैं clarify करूँ। और मैं दादा को हमेशा दादा ही बोलता हूँ। Because he is not only my elder brother, he is my guide, my mentor. मैंने बहुत सीखा है एंड पहली बार 13 साल की उम्र में जब मैं मिला दादा से उनको पता भी नहीं था मैं कौन हूँ, मैं किन का बेटा हूँ। उन्होंने ऐसी बातचीत की मेरे साथ, उनको पता चला कि मैं गाना यू नो आई एम अ सिंगर, मैं गाना गाता हूँ, तो उन्होंने वहाँ से ही वो मुझे एक अपने रिकॉर्डिंग के लिए लेके गए थे एंड जहाँ पर मैंने सीखा था एंड वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। और दादा ने तभी मुझे बोला था कि बेटा आप बड़े हो जाओ, आप अपने आप को तैयार करो, मैं आपको। मैं भी छोटा था जब ये 13 साल का था, तो मैं भी कोई 50 साल का नहीं था। नहीं बिल्कुल नहीं। एंड दादा के बारे में कुछ बोलना, आई थिंक आई एम वेरी स्मॉल कुछ बोलने के लिए, मगर मैं ये बोलूँगा कि जैसे सिद्धार्थ सर ने बोला कि इनको कुछ ज़रूरत नहीं है कुछ करने के लिए किसी के लिए, मगर जो ये बोलते हैं वो ये ज़रूर करते हैं। एंड 13 साल की उम्र में इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस मुझे शायद याद नहीं था, बट 15 साल बाद आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एंड इट्स विथ दादा बिकॉज ऑफ हिम। सो आई वांट टू से दैट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। आई एम थैंकफुल टू यू, इतना प्यारा गाना इन्होंने गाया। Very like Jean said, he genuinely keeps up to his promises. So he did promise and he did keep up to it. This month is a very special month for me. It's my birthday month. And I think this is the yes. best gift that he can give me, a launch of such an amazing song. So he's been very supportive from the beginning. He's been a great mentor. And he's also just an amazing person to have in your life. When people compliment him, there's a lot of genuinity to it. So yeah, thank you. I'm psyched, honestly. I think he's a powerhouse and whenever he enters, it's like a banging energy, you know, from universe that comes with him. And जब मैं छोटा था मेरे को ये मिले थे और इन्होंने मुझे हमेशा हार्डवर्क करने के लिए एनकरेज किया है बहुत। उन्होंने बोला कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लाइक ही इज़ लाइक दिस स्टेपिंग स्टोन इन माई करियर। एंड इन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो निभा दिया एंड ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड। सेवा करना इनका कर्तव्य है और ये सबसे ज़्यादा करते हैं। नहीं पर ये इसमें दम है, लड़का पूरा छोटा रीति तो लग रहा है अभी, बड़ा रीति करना पड़ेगा। ह्यूज जैकमैन बॉलीवुड, बस यार थैंक यू सो मच। बट मेरा मैं जैकमैन तो नहीं हूँ लेकिन मैं अच्छे अच्छे सिंगर्स को जैक कर लेता हूँ, हाई जैक कर लेता हूँ। आप सुपरमैन हो? यस सुपरमैन।
सो आई वॉज ऑल्सो लॉन्च बाय मिका पाजी. इन्होंने मुझे होस्ट की तरह लॉन्च किया, उससे मेरी एक्टिंग शुरू हुई और जो मेरा करियर रहा है. आई बिन सीन नाकिया फ्रॉम डे वन एंड आई ऑल्सो सीन जान. यू आर द न्यू एंटरांट इन टू द क्लब. बट बहुत कम लोग होते हैं इस इंडस्ट्री में जो आउटसाइडर्स को मौका देते हैं, और उससे भी ज़्यादा कम लोग होते हैं जो आउटसाइडर्स को मौका देते हैं और ऐसा लॉन्च देते हैं विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी गॉड फादर. यू नो वो कहते हैं जिनके फादर नहीं होते उनके गॉड फादर होते हैं. सो आई छोटी मुँह बड़ी बात क्या ही मैं बोलूँ. आई थिंक ही इज़ गिवन अस दिस काइंड ऑफ अ लॉन्च पैड. इंडियन आइडल होता है, फेम गुरुकुल होता है, वॉइस होता है, हम सबको पता है कितनी मेहनत लगती है कहीं से भी आके. एंड टू बी स्पॉटेड बाई अ स्टार हिमसेल्फ, एंड वो भी नहीं कि वेटरन स्टार, रेनिंग स्टार, जो करंटली खुद बैक टू बैक शोज कर रहे हैं, जो करंटली आई एम श्योर जान इनके साथ शोज करते हैं. तो जो मिका बाजी का जो पूरा ऑडियंस है और जो क्राउड है, यू नो जब मैंने अपना जिंदगी का पहला शो किया था, मैंने राहत फतेह अली खान साहब और मिका बाजी के साथ किया था फॉर अ नोबडी इन मॉल्डीव्स होस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट. तो एक नॉर्मल इंसान को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म. तो जब जान शोज करता है तो जो मिका बाजी का ऑडियंस है उसको ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट मिल जाता है. एंड चलो बस करो देरी तारीफ अभी. नहीं, 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 मैं जब सारे अंदर आओ. हाँ यार देखो, मेरे ही तरफ से तो हम अपना अच्छा करते हैं कि यू नो जैसे जान बहुत अच्छा गाता है, आई एम श्योर सभी को पता, मुझे बताने की जरूरत है. इज़ ए सुपर टैलेंटेड गाय, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, पर वही है कि एक मिडास टच देना होता हमें. हम कोशिश करते हैं कि यार एक अच्छा गाना मिले. द सॉन्ग इज कम्पोज बाई ये सूफी, एक सेकंड आ जा, इस लड़के ने ये गाना कंपोज करा. इज़ अ वेरी गुड राइटर कंपोजर सिंगर आल्सो. इसको भी मैंने यही बोला था कि वन डे, तो अब अच्छी बात है कि वन डे में सबका सारे कवर हो गए. मैं तो ये कहूँगा पाजी के लिए कि कई लोग सेवा की बात करते हैं, कई रियलिटी शोज में कहते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. और हर तरह से, मतलब जुलाई बहुत मेरे लिए कठिन था, आई हैव लॉस्ट माई फादर. एंड मीका पाजी जिस तरीके से हमारे साथ खड़े हुए, हमारे पूरे परिवार के साथ, कमाल है मतलब. और जिस तरीके से हम सबको ये लॉन्च कर रहे हैं सर, थैंक यू सो मच मीका. यू बीन ऑलवेज ग्रेट एंड अमेजिंग. थैंक यू सो मच. फ्रेश टैलेंट होते हैं तो थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, पर सबसे बड़ी बात उसमें ये होनी चाहिए कि आप जिनके साथ भी कर लो, आपको सबसे पहले उनमें फेथ और बिलीफ होना होना चाहिए, और फेथ और बिलीफ उसके टैलेंट में होना चाहिए. नॉर्मली लोग वो हो जाते हैं कि जब फेथ और बिलीफ में जाते हैं फिर उसके व्यवहार के ऊपर तोड़ना शुरू कर देते हैं. सो आपको उससे बचना चाहिए. मैं हमेशा उससे बचता हूँ, क्योंकि जब नए बच्चे होते तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी गलतियाँ भी हो जाती, कभी कुछ हो जाता है, बट उनसे बड़ा बनना पड़ता है. और वो प्रैक्टिस बनने के लिए, और इनके जैसे आइकॉनिक लोग हैं, ये हमारे इंस्पिरेशन है, इनके लाइफ स्टाइल और इनके तरीके को जो समझ सके. क्योंकि मैं सर के बारे में, मतलब मैं ये बी एम जी प्रशांत और सुरेश ने इनका पहला एल्बम किया था, मेरा पहला एल्बम था 2001, तो मैं तब से इनकी लाइफ को और इनके तरीके को पहचान रहा हूँ. सो जब हम बिलीव करते हैं तो पूरा बिलीव करते हैं, और उस बिलीव के ऊपर चाहे वो आदमी खड़ा ना रहे ये जरूर खड़े रहते हैं. सो किसी को लॉन्च करना हो तो आपको जब उसका मेंटर बनना है तो पहली क्वालिटी वो होनी चाहिए. बिल्कुल, ज़्यादातर बॉलीवुड में लोग बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन कि हमने इनसे कुछ चाहिए या ऐसा. एक प्यार है बस, ये प्यार हमारा बना रहे, एंड अगर हमारे जरिए थोड़ा सा किसी का भला होता है, आई थिंक वी शुड डू दैट. बाकी इनकी किस्मत है, इनका लक है, और डाउन तो रहेंगे तो मेरी तरह स्टार बनेंगे, वरना फिर गायब भी हो जाएंगे. बार गाइए एनाकोंडा है, एनाकोंडा नहीं, डायनासोर. उस जमाने से ये वीडियो बनाते आ रहे हैं, ऐसा कोई वीडियो नहीं है. 2000 वीडियो बनाए हैं, हनी सिंह से लेके सारे बड़े बड़े वीडियोज उन्होंने शूट करे हैं. और इसका सरप्राइज ये है कि लोगों को एक एक वीडियो मिलता है, आर्टिस्ट को तीन तीन वीडियो मिलता है. थ्री वीडियोज में हम एंड दो वीडियोज में हमारी नाकिया है, और हमारे डायरेक्टर एक ही हैं, सारे मेरे वीडियोज यही बनाते हैं.
देखो जी, पंजाब में मैंने बहुत बड़े बड़े काम करे, लेकिन बॉम्बे में मुझे बड़ा बनाने वाले वन एंड ओनली मिल्खा सिंह। और इनके लिए एक ही बात है, जो ये कहते हैं पक्का करते, और जो ये नहीं कहते वो भी करते हैं, वो तो नेक्स्ट लेवल करते हैं। मतलब क्या ना, आजकल सपोर्ट के नाम पर लोग ऑनलाइन आके लाइव बोलते हैं हाँ ये गलत है ये सही है, हमें करना चाहिए, शेयर कर देंगे लाइक कर देंगे, रियल लाइफ में कुछ नहीं। मैं यही बोलना चाहूंगा, मैं अंदर भी बोलूंगा कि देखो एक ही काम से हमने कितने लोगों को हम लॉन्च कर सकते हैं। लाइक द राइटर कंपोजर इज हियर सूफी, देन वी हैव वीडियो डायरेक्टर, दो अच्छे प्यारे प्यारे मॉडल्स हैं, खूबसूरत मॉडल हैं, एक सिंगर है हमारा प्यारा सा जान कुमार। ये लड़की एक्टिंग करने आई थी, मैंने बोला तुम एमसी शुरू करो बिकॉज ये बोलती बहुत अच्छा है, तो तुम्हें होस्टिंग करनी चाहिए। अभी इनके पास एक BMW भी है और एक अपना खुद का फ्लैट है, तो ये विद इन 3 ईयर्स मैं बता रहा हूँ। तो यही है कि अगर आप मेहनत करते रहो तो बहुत कुछ हो सकता है। पाजी आपने एक्टर सिंगर तो बना दी, मुझे और भी कुछ लॉन्च कर दो। वो अंदर चलते भी बहुत बड़ी बात है मीका जी की। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई लॉन्च करना ये बाकी सारे लॉन्च से अलग था, क्योंकि इसमें उनका खुद का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है और वो इतने गुणी कलाकार हैं तो वो चीज़ों को भी अच्छा समझते हैं और जिनको भरोसा करते हैं उनके लिए पूरी तरीके से तन मन से पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये इतने बड़े कलाकार में दूसरों के लिए करने की ऐसी भावना होना, मुझे लगता है मीका जी एक अच्छे ग्रेट आर्टिस्ट तो हैं एंड इससे भी बड़े इंसान बहुत बड़े हैं। और एक नया चीज़, एक अच्छी फीलिंग आती है कि नॉर्मल लॉन्चेस से ज़्यादा ये एक अलग गेम चेंजिंग एटीट्यूड हो रहा है, जहाँ पे जैसे प्रोग्रामर का नाम हो गया, कंपोजर को लेके हर लोगों को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और जो तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, इट्स रियली हैप्पी टू सी दैट। Well, I'm psyched, first of all, to be here after so many years. You know, I've worked so much in the industry as a child actor, but now this is like a stepping stone in my career. I'm getting out of my immense fear and, you know, as an adult actor now. And ye gana, Unfaithful, aisa gana hai, jisse, matlab, sab log relate kar sakte hai, jinka breakup hua hai, jo relationship mein, jin logon ne bahut experience kiya relationship mein, wo sab log bhi ye bahut, बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं इस गाने को। एंड आई फील लाइक दिस सॉन्ग इज गोन हिट एवरी वन इन देयर हार्ट्स लाइक एन एरो, एंड बिकॉज द अफ्लिक्शन एंड द टॉर्मेंट पीपल गो थ्रू, यू नो, ड्यूरिंग द रिलेशनशिप, अनफेथफुल रिलेशनशिप्स, इट्स क्रेजी। एंड लाइक पीपल व्हेन दे वॉच दिस सॉन्ग दे विल फाइंड आउट दैट द लव ट्राइंगल विच एग्जिस्ट इज सो डिफरेंट देन द यूजुअल लव ट्राइंगल, देन दे विल अंडरस्टैंड द की थर्ड पार्टी सिचुएशंस कैसी होती है। और मैं सो ड्यू टू माई मास्टर्स एंड माई BCom मैंने 2 साल का गैप लिया, एंड देन आफ्टर दैट माई मॉम एनकरेज मी एंड शी इज़ लाइक यू गॉट अ ग्रूम योर सेल्फ। सो आई वेंट टू अ ट्रांसफॉर्मेशन, आई लॉस्ट 40 kgs इन लाइक 2 ईयर्स एंड बॉडी बनाई, एंड यू नो आई क्रिएटेड दैट ऑरा फॉर माई सेल्फ। एंड मीका पाजी हैज़ ऑलवेज प्रोमिस मी सिंस चाइल्डहुड एंड माई मॉम कि तू जब बड़ा हो जाएगा ना मैं तुझे ब्रेक दूंगा, एंड लाइक ही इज़ अ मैन ऑफ इज वर्ड एंड ही हैज़ डन दैट। सर आपकी जानना चाहूँगा कैसा रहा एक्सपीरियंस मीका शो के साथ, थोड़ा अगर आप बता सके, और जान कुमार के साथ कैसा रहा? मीका पाजी आप तो सब जानते हैं, इज़ द किंग मीका सिंह। अब उनकी पर्सनैलिटी और उनकी एनर्जीज़ को मैच करना बड़ा मुश्किल है, बट पाजी इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी सपोर्टिव, वेरी एनकरेजिंग, तो हम बस उन्हें देखते गए और करते गए उनके साथ। और रही बात जान की, जान इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर, मतलब उसकी आवाज़ में एक सच्चाई है, एक दर्द है, और वो समझ आता है, यू कैन फील इट, यू कैन फील द एनर्जीज। आप प्रमोट करने चाहेंगे बिग बॉस के घर पे सलमान सर, मीका सर और सलमान बहुत ही करीबी दोस्त? वो तो है, वो तो है। बाद में आप लोग जाने वाले हैं सलमान सर के घर? क्या क्या बोल रहे हैं? सलमान सर के घर पे जाएंगे क्या बिग बॉस में? फ्यूचर में पक्का पक्का, जब मैं थोड़ा लाइमलाइट में आ जाऊंगा, थोड़ा
थोड़ा अपने आप को और मेंटली फिजिकली ग्रूम करके रेडी होके पक्का। It feels amazing. I've called all my celebrity friends, my mom's celebrity friends, family of course, and in sabko leke I'm very overwhelmed and I feel amazing. I feel like you know, I feel like Goku. I'm taking the energies and I'm feeling confident. Yeah. Gotcha, huh? My world. Oh. First of all, thank you everyone for coming here because it's a very big day for all of us. हमारी family के लिए भी बहुत बड़ा दिन है because being a single parent मेरे लिए ये सपने जैसा है and अपनी तरफ से मैंने सारी life बहुत सारे लोगों की help करने की कोशिश की है और आज वक्त आया है कि सबको मेरे बेटे को help करनी है and big thanks to my friend पारुल चावला for you know today Ganan is here, you all are here and industry में अगर आपके पास talent और focus है तो फिर आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता एंड इसके लिए मैं शुक्रिया करना चाहूँगी मेरे फैमिली फ्रेंड मीका जी का जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी गनन्ने को दी है। बड़े टाइम बाद बीच में गैप के बाद छोटे होते से उनके साथ मिलता रहता था बट जब जैसे बड़ा हुआ उनको मिलने गया तो ही सडनली सेड वाओ यू आई एम साइनिंग यू सो टुडे वी आर हियर ही इज अ बैकबोन अ पिलर टू अस बिग थैंक्स टू हिम आल्सो थैंक यू मैम। सर ने बोला कि जब वो दो साल बीच में वो ड्रॉप था तो आपने काफी उन्हें सपोर्ट किया यू आर द पिलर ऑफ बिहाइंड ऑफ सक्सेस क्या कहना चाहोगे। सो जैसे मैंने बताया कि हम ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सिंगल पेरेंट तो मेरा फोकस सिर्फ यही रहता है कि मेरे बच्चे दुनिया में कुछ करके जाएं कुछ नाम कमाएं एंड कोविड के टाइम पे एक ऐसा टाइम आया था कि हमारे पास बहुत टाइम था अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का सो कोई भी जिम्स ओपन नहीं थे कुछ भी नहीं था सो हम सब टेरेस पे वर्कआउट्स करते थे आपस में गनन्ने का एक टाइम था कि ही वॉज वेरी प्लम चाइल्ड मतलब इसने 35 kgs लूज किया है एंड बहुत कोशिश की मैंने और एक ही चीज समझाई कि लोगों के पास सब कुछ होता है बट उनके पास टैलेंट और शक्ल नहीं होती है तो अगर ऊपर वाले ने तुम्हें किसी चीज से नवाजा है तो तुम्हें उसकी वैल्यू करनी चाहिए अपने आप पे काम करना चाहिए टेक योर बॉडी एज योर टेम्पल एंड इसका जितना हो सके फायदा उठाओ और ग्रूम करो अपने आप को दैट्स व्हाट आई डिड। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज यू नो गनन्ने इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया था एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम फॉर गुरप्रीत जी और मीका के लिए भी बहुत खुश हूँ जान के लिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आई एम वर्किंग ऑन गुड म्यूजिक नाउ जैसे कि आप जानते हैं कि अब नए नए सिंगर्स भी आ रहे हैं यू नो पीपल आर वर्किंग ऑन म्यूजिक इंडिपेंडेंट म्यूजिक का बहुत ज़्यादा अब ट्रेंड चल रहा है सो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन सम गुड कॉन्टेंट एंड गुड म्यूजिक जो आपको जल्दी देखने मिलेगा। किन की तरफ से बस एवरीबडी इज़ हैप्पी सब कुछ बहुत अच्छा है मेरी फिल्म हाल ही में रिलीज हुई टोकन उसमें अनूप जलोटा जी भी हैं और हाल ही में रिलीज हुई थिएटर्स में एंड एवरीथिंग इज़ फाइन बहुत अच्छा हो रहा है गुड म्यूजिक बन रहा है अभी एंड आई विल यू नो डेफिनेटली सबको बताऊंगी मैं बहुत ही जल्दी आई डेफिनेटली शेयर सुन उनको तो मैं बहुत टाइम से जानती हूँ हमने काम करना मेरी लाइफ का जो पहला काम मैंने किया था वो मीका जी के साथ ही किया था वी डिड अ सॉन्ग टुगेदर जो पंजाबी फिल्म था उसका हमने साथ में एक बहुत ही कमर्शियल गाना था जो हमने साथ में किया था और मैंने पहली बार उन्हीं के साथ कैमरा फेस किया था तो इतने सालों का एसोसिएशन है यू नो फैमिली हम फैमिली जैसे हैं सो या इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग हमेशा इतने सालों में हम मिलते रहते हैं जिस तरह से और यू नो इवेंट्स पे भी इट फील्स ग्रेट थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर लविंग बबली बाउंसर मेरा तो एक छोटा सा पार्ट था बट कहते हैं कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी और ऑडियंस ने उन दो तीन सीन को इतना प्यार दिया मीम्स बन रहे हैं कुछ फनी कुछ अनोइंग पर बहुत मज़ा आ रहा है उस प्यार को मैं बटोर रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच।
सीएम साहब बहुत ही मेरे को बहुत फ्रेंडली लगे, बहुत अप्रोचेबल लगे. उनके घर आई थिंक बॉलीवुड के सारे आर्टिस्ट ने डिनर किया, उनसे बातचीत की. वी आस्क्ड फॉर यू नो हाउ कैन वी प्रमोट गुड सोशल मैसेजेस फिल्मों के माध्यम से. और उनके जो आइडियाज़ हैं, उनका जो विजन है, मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैं चाहूँगा कि उनकी हेल्प लेके हम और अच्छी अच्छी कुछ फिल्में बना सकें, उनका सपोर्ट ले सकें और उनके जो सोशल कॉजेज हैं उनके साथ जुड़ सकें. जी मीका पाजी, वही बात है कि जो फेस अपना दुनिया को दिखाते हैं उसके उल्टा है रियल लाइफ में. ही सो हेल्पफुल, मतलब वही बात कि जो दिल से किंग हैं रियल लाइफ में भी किंग हैं. और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये जो जितनी भी टीम है वो शायद वो टीम है जिनको सच में किसी की ज़रूरत थी, और मीका जी उनके लिए रॉक की तरह मतलब खड़े हुए हैं और उनको अच्छा लॉन्च पैड दिया है. अनन्या को मैं बहुत, मतलब रियो चड्डा जिसको मैं बचपन से जानता हूँ, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है. उसकी मम्मी गुरप्रीत चड्डा जी ने जिस तरह से उनको रेज किया और जितनी मेहनत से उसने अपने फिजीक बनाया, आई नो के मतलब जब उसके घर में पार्टी में कभी जाते थे तो नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, आई नो. सो उस हार्ड वर्क को आज मैंने जब स्क्रीन पर देखा तो इट्स अमेजिंग. मतलब जान की आवाज़ में एक अलग ही मिठास, और जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है बहुत ही अच्छी कंपोजिशन है, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं, ओवरऑल माइंड ब्लोइंग. और सुनील भारद्वाज जिन्होंने पंजाबी में बहुत सारे गाने डायरेक्ट कर रखे हैं, उन्होंने इसका वीडियो डायरेक्ट किया है. सो इट्स ए ओवरऑल वेरी गुड पैकेज एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू होल्ड. थैंक यू. बात करें इस लॉन्च की पहले, अमेजिंग, आउट ऑफ द बॉक्स एज ऑलवेज. रियो अपना बच्चा है, द वे इज कम आउट, मैं कहता हूँ मार्क माय वर्ड्स, ये लड़का बहुत आगे निकलेगा. वो दिन दूर नहीं जब कहीं ना कहीं नंबर वन पे पहुँचेगा. ही इज गॉट दैट स्पार्क इन हिम. ऑल द बेस्ट टू हिम. देखो मैं कोई न्यू करने वाला, आज मीका पाजी एक अपने लेवल पे पहुँचे हुए हैं, सिंगिंग के बादशाह हैं, तो उस लेजेंड को एक लेजेंड की पेंटिंग देना जैसे थॉट था दिमाग में, जहन में आया, इसके लिए वो चीज़ को आगे लेके निकले. मीका जी को ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर इज डूइंग ग्रेट. सर आपके बेटे को कब डेब्यू करा रहे हैं आप इंडस्ट्री? भाई मेरा कोई थॉट प्रोसेस नहीं इस बारे में. ही स्टिल यंग, अपने आप में कुछ अपने आप को संभाल ले वो ज़्यादा ज़रूरी है. आपका भी तो सपोर्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग लॉन्च. मैं सब मीडिया के भाइयों के सामने मैं आपको नमन करता हूँ. थैंक यू सो मच गाइस.